सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस समय, और देखिए हिस्ट्री में वेद और उपवेद को अच्छी तरह से हम बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं, और इसका आज टेस्ट लगाएंगे जो एग्जाम लेवल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा और क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कम से कम 5 सेकेंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 होती है, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। देखिए कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। और इम्पॉर्टेंट देखिए, इसके कुछ उपवेद भी होते हैं जो उसको अच्छे से हम समझा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। और देखिए, सबसे बाद का जो वेद होता है वो अथर्ववेद है, तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए देखिए, 1028 सूक्ति होते हैं, 1028 सूक्ति होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेख है, और देखिए ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख है गायत्री मंत्र का, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। देखिए 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और देखिए गायत्री मंत्र का जो रचना किए हैं वो विश्वामित्र ने किया था, गायत्री मंत्र का रचना उल्लेख। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, सरस्वती। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे नया वेद कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे नया वेद अथर्ववेद है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अब देखिए, सबसे प्राचीन जो है वह ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते
मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ये भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो आयुर्वेद होता है, और किससे संबंधित होता है? तो यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित होता है फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो देखिए, सामवेद में संगीत का उल्लेख है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो देखिए फ्रेंड्स, यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए, मंत्र ऋग्वेद का जो उल्लेख है इसमें, सामवेद का उल्लेख संगीत से, तो सबको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, पुराणों की संख्या 18 है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, मुख्य जो होते हैं विष्णुपुराण, जो मौर्य वंश से संबंधित होता है, और मत्स्य पुराण, जो सातवाहन वंश से संबंधित है, और देखिए फ्रेंड्स, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, और देखिए, सबसे जो प्राचीन पुराण होता है वह मत्स्य पुराण होता है। तो अच्छे से सबको समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। और देखिए, महर्षि व्यास महाभारत के रचयिता हैं। देखिए फ्रेंड्स, कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं, इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य को देखिए, यह अर्थशास्त्र का रचयिता है कौटिल्य, तो सभी इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रामायण में कितने कांड हैं? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रामायण में 7 कांड होते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड या युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। और देखिए 7वां फ्रेंड, देखिए उत्तर कांड, तो सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, कालिदास देखिए मेघदूत के रचयिता, और कौटिल्य देखिए यह अर्थशास्त्र की रचयिता है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है?
तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी वेदों को बारी बारी से हम सबके रचनाकार देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। और देखिए धन्वंतरी यह ऋग्वेद के रचनाकार हैं, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सामवेद के रचनाकार कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, भरत मुनि। और देखिए धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र, यजुर्वेद के रचनाकार हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, सबको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा एग्जाम में। तो देखिए, अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए, धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार, विश्वामित्र यजुर्वेद के रचनाकार, भरत मुनि सामवेद के रचनाकार, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किए थे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, पतंजलि। और कपिल, देखिए फ्रेंड्स, कपिल सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किए थे। और गौतम, देखिए फ्रेंड्स, यह न्याय दर्शन का प्रतिपादन किए थे गौतम। और देखिए चार्वाक, चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किए थे, तो सबको अच्छे समझ लीजिएगा फ्रेंड, सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, वेद और उपवेद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं।